तो देखो इसमें इस प्रॉब्लम में आपको एक्सेलरेशन और टेंशन दो चीज़ें निकालनी है। रूल नंबर वन, आप इसमें क्या करते थे, सबसे पहले इसमें वेट लेते थे। सबसे पहला पॉइंट, इसमें वेट कंसिडर करो, इसका वेट कितना है 2g, इसका वेट कितना है 5g और इसका वेट कितना है 7g। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, ये इसके वेट है। नेक्स्ट इसमें टेंशन, टेंशन पेयर में टी टेंशन टी, ऐसी टेंशन यहाँ पर टी, टेंशन यहाँ पर टी, उसी तरीके से टेंशन यहाँ पर टी डैश, टेंशन यहाँ पर टी डैश। कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहाँ तक तो ये वाली वैल्यूज आ गई आपके पास। फिर क्योंकि 5 और 7 वाला सिस्टम नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए और ये नीचे आएंगे विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, कुछ ऐसे, सच दैट इसके अंदर अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, क्योंकि ये ऊपर आएगा तो इक्वेशन क्या बनेगी, टी माइनस 2g इज इक्वल टू 2 into a, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब क्योंकि ये वाला ब्लॉक नीचे आएगा और जब नीचे आएगा तो क्या बनेगा, 5g प्लस टी डैश, 5g प्लस टी डैश माइनस टी इज इक्वल टू 5 into a, इक्वेशन नंबर 2। ये वाली बॉडी कहाँ आएगी, नीचे आएगी, तो नीचे आएगी तो 7g माइनस टी डैश इज इक्वल टू 7 into a, इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ऐड करोगे तो टी से टी, टी डैश से टी डैश कैंसिल, तो यहाँ से सॉल्व करके ए आ जाएगा, ए को सॉल्व करके टी एंड टी डैश कैन बी कैलकुलेटेड। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? इक्वेशन समझ में आ रही हैं कि कैसे इक्वेशन बनेगी इसमें? ठीक है, अब इसमें ये हमने लास्ट टाइम किया था। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसमें फिर से एक पुली है और पुली के साथ यहाँ पर दो मासेज हैं, एक M1 ब्लॉक है, एक M2 ब्लॉक है। तो इसका वेट कितना है M2g, इसका वेट कितना है M1g, टेंशन TNT। तो अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि इसकी एक्सेलरेशन बोलो क्या होगी, तो मान लो M2 बड़ा है और M1 छोटा है, तो नेट वेट क्या होगा, M2g माइनस M1g, बड़े वेट में से छोटे वेट को क्या किया माइनस, डिवाइडेड बाई टोटल मास, टोटल मास में क्या आएगा M1 एंड M2 का सम आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? लास्ट टाइम डिस्कशन हुई थी कि बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस कर देंगे और नेट फोर्स आएगी और टोटल मास से डिवाइड कर देंगे, डन। अब मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, क्वेश्चन में क्या किया, इस क्वेश्चन में यहां मास M2 है, यहां मास M2 है और यहां पर मास लगाने की बजाय मैंने क्या लगा दी, फोर्स लगा दी। तो मैंने क्या किया, इसमें यहां पर मास रखा है M2 पर यहां पर फोर्स लगाई M1g, बिल्कुल उतनी फोर्स लगाई जितनी इस ब्लॉक ने अपना वेट लगाया था। और सेकंड केस में यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्या, एक्सेलरेशन। ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो रूल वही रहेगा, रूल क्या रहेगा, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस। तो इसमें फिर से एक बार, बड़ी फोर्स M2g है, छोटी फोर्स M1g है, तो नेट वेट कितना है M2g माइनस M1g डिवाइडेड बाई टोटल मास। अब टोटल मास में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ तो मास है M2 पर, यहाँ पर मास नहीं है, यहाँ तो वैसी फोर्स लगाई हुई है, कोई ब्लॉक थोड़ी ना जिसका मास M1 है। हाँ, वो वेट के इक्वलेंट फोर्स लगा रखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर वेट है। तो यहाँ पर नेट वेट, नेट फोर्स में M2g माइनस M1g डिवाइडेड बाई टोटल मास में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ M2 आएगा। कई लोगों को ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि यार ऐसे कैसे हो गया, समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, उनके लिए मेथड नंबर 2 देख लें। मेथड नंबर 2 में आप सिंपली ये बताएं, फ्री बॉडी डायग्राम से ये ब्लॉक कहाँ जाएगा, ऊपर नीचे, नीचे जाएगा, तो इक्वेशन बोलो क्या बनेगी, M2g माइनस टी इज इक्वल टू M2 into a। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है, M2g माइनस टी इज इक्वल टू M2 into a, क्लियर है यहाँ तक। अब सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर लगेगी, यहाँ पर ये वाला सिस्टम ऊपर जाएगा, तो यहां पर इस पॉइंट पर टी बड़ा है और M1g छोटा है, तो टी माइनस एम वन जी इज मास इनटू एक्सेलरेशन। पर प्रॉब्लम ये है, यहां पर मास तो लगा ही नहीं हुआ, फोर्स गिवन है, मास तो है ही नहीं, तो टी माइनस M1g इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास है ही नहीं, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो टी सीधा किसके इक्वल आ जाएगा, M1g। तो हाँ, अगर यहां मास होता
फिर मैं m1 पुट कर लेता, मास है ही नहीं तो जीरो पुट कर लिया। तो टी एम वन जी, इस टी को यहाँ पुट कर लें, पुट करके a निकाल लें, a वही आएगा जो हमने शॉर्टकट से निकाला। तो इस टाइप की प्रॉब्लम में आप ये याद रखें, समझाने के लिए जरूर बताया इतना, कि आपने क्या करना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, बड़ा वेट माइनस छोटा वेट अपॉन टोटल मास, और इसके अंदर बड़ा वेट माइनस छोटी फोर्स अपॉन टोटल मास। इसमें टोटल मास में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, m2 आएगा। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम फिर से कनेक्टेड मोशन की, जिसमें दो ब्लॉक्स गिवन है। इस बार क्या गिवन है, मान लो 10 केजी और 5 केजी का ब्लॉक है, एक के साथ एक चिपके हुए हैं, चिप में इकट्ठे पड़े हुए हैं, और यहां पर मैंने फोर्स कितनी लगाई, 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन की फोर्स से ये ब्लॉक्स आगे जाएंगे मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो 10 केजी का ब्लॉक 5 केजी के ब्लॉक पे क्या लगाएगा, फोर्स। तो 5 केजी का ब्लॉक 10 केजी के ब्लॉक पे क्या लगाएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, एक्शन के बदले में रिएक्शन। क्लियर है यहां तक? तो यहां पर फोर्स लगी एफ, तो यहां पर उल्टी फोर्स क्या लगी, एफ। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा इसमें। पहले 5 केजी का बनाते हैं। 5 केजी कहां मूव कर रहा है बताओ, राइट की लेफ्ट? राइट, क्यों? क्योंकि 100 इस पे लगाई, इसने इस पे लगाई, तो 5 केजी कहां मूव करेगा, टुवर्ड्स राइट। 5 केजी राइट मूव कर रहा है, कौन सी फोर्स मूव करवा रही है इसे? कई लोग कहेंगे 100, नहीं, 100 ने एफ जनरेट किया, एफ ने आगे इसको फर्दर पुश किया। तो 5 केजी क्योंकि राइट मूव कर रहा है, तो इन दोनों फोर्सेस में से राइट वाली फोर्स को यहां लगा दो, तो राइट वाला वेक्टर यहां लगेगा क्योंकि राइट मूव कर रहा है, क्योंकि ये फोर्स किसने लगाई है, 10 केजी ने 5 केजी पे लगाई, तो 5 केजी ने 10 केजी पे क्या लगाई, उल्टी एफ। तो ये वाला वेक्टर इसको मिलेगा, दो वेक्टर्स हैं, एक एक्शन एक रिएक्शन। तो कई लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि एफ, ये वाला एफ यहां लगाएं, ये वाला यहां लगाएं। आप मोशन देखें, मतलब ये वाला वेक्टर यहां लगाएं कि ये वाला यहां लगा दें। अब मोशन देखें, 5 केजी का राइट है, तो राइट वाला वेक्टर इसको मिलेगा, तो राइट वाला वेक्टर क्या है, एफ, तो एफ यहां मिलेगा। तो अगर ये वाला एफ इसको मिल गया, तो ये वाला एफ इसको मिलेगा, और इसके इस तरफ फोर्स कितनी है, 100। दोनों के दोनों आर मूविंग विद एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो इसकी नेट फोर्स कितनी है, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स, 100 माइनस एफ इज मास इनटू एक्सेलरेशन। बाकी तो इजी है, इस केस में फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ये भी क्लियर है। तो इक्वेशन बना लेंगे, फोर्सेस क्लियर है, तो इन्हें साइमल्टेनियसली जब ऐड करेंगे या सब्स्टिट्यूट कर दें, इस एफ को यहां पुट कर दें, ए की वैल्यू आ जाएगी, ए आ गया तो एफ भी आ जाएगा। तो आपको ये डायग्राम बनाने आनी चाहिए, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो एक काम करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, प्रैक्टिस होगी। तो मान लें दो ब्लॉक्स हैं आपके पास, ठीक, दो ब्लॉक्स हैं और ये फोर्सेस हैं, फोर्स 100 न्यूटन, फोर्स 20 न्यूटन, मास 10 केजी, मास 5 केजी। ऑब्वियसली सिस्टम कहाँ मूव करेगा, टुवर्ड्स राइट। फाइंड एक्सेलरेशन एंड कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो ये चीज़ सुन लें, जब ये 10 केजी 5 केजी पे और 5 केजी 10 केजी पे फोर्स लगाते हैं, एफ एंड है, उसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, क्योंकि ये जब दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में तब फोर्स लगती है, तो दीज आर नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो एफ एंड एफ निकालें, बनाएं डायग्राम और चेक करें।
देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें 10 केजी का ब्लॉक 5 केजी के ब्लॉक को फोर्स लगाएगा F, तो 5 केजी का ब्लॉक 10 केजी के ऊपर फोर्स लगाएगा F, ठीक है, F एंड F। तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्योंकि सिस्टम राइट की तरफ मूव करेगा तो ये क्या है, 5 केजी, 5 केजी, और ये वाला ब्लॉक कितना है, 10 केजी। राइट मूव करेगा विद ए, राइट मूव करेगा विद ए। अब क्योंकि इसके यहां कितनी फोर्स ऐड कर रही है, 20 न्यूटन, पर फिर भी ये कहां मूव करेगा, राइट, तो कौन सा वेक्टर इसको दें, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ऊपर वाला, तो ऊपर वाला वेक्टर कहां है, टूवर्ड्स राइट, तो अगर ऊपर वाला इसको मिला तो नीचे वाला इसको देना पड़ेगा, और यहां पर कितनी फोर्स है, 100 न्यूटन। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक? तो क्योंकि ये राइट मूव कर रहे हैं तो क्या बनेगा, 100 माइनस एफ इज 10 इंटू ए, फर्स्ट इक्वेशन, और क्योंकि राइट मूव कर रहा है तो एफ माइनस 20 इज इक्वल टू 5 इंटू ए, सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है यहां तक? तो इन दो इक्वेशंस को अगर हम ऐड करें, एफ एंड एफ कैंसल, तो 80 इज इक्वल टू, इन्हें ऐड करेंगे क्या आएगा, 15 ए, ए की वैल्यू क्या आएगी, 80 डिवाइडेड बाय 15। इस ए की वैल्यू को यहां पुट करेंगे कहीं पर तो क्या आएगा, F की वैल्यू आएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, क्या ये बात समझ में आ रही है यहां तक? तो F की वैल्यू आएगी, कोई डाउट इसमें? ठीक, 20 माइनस F कब लेते हैं, अगर ये कहां मूव कर रहा है, लेफ्ट, तो 20 बड़ा है, F छोटा है, अगर ये राइट मूव कर रहा है तो F बड़ा है, 20 छोटा है, मोमेंट बताएगी इधर या इधर, कौन सी फोर्स बड़ी कौन सी फोर्स छोटी, तो ऐसे नहीं पता लगेगा, एफ की वैल्यू देख, एफ की वैल्यू पता ही नहीं, तो आप जहां इसकी मोशन है उसके हिसाब से अंदाजा लगाना है आपको, ठीक है? अब जैसे सपोज करो इस क्वेश्चन में दो की जगह कितने मासेज हैं, 3 मासेज हैं, तो पहला मास 5, 2 और 1 केजी है ना, 3 मासेज हैं, 100 न्यूटन की फोर्स इधर एक्ट करेगी तो तीनों की तीनों राइट मूव करेंगे विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो जब 5 केजी राइट मूव करेगा तो 5 केजी 2 केजी पे फोर्स लगाएगा एफ डैश, तो बदले में 2 केजी 5 केजी को फोर्स लगाएगा एफ डैश, फिर इधर से 2 केजी ने 1 केजी को फोर्स लगाई एफ, तो 1 केजी ने 2 केजी को फोर्स लगाई एफ, रहेगी इक्वल एंड ऑपोजिट एफ एंड एफ, एफ डैश एफ डैश, तो जब ब्लॉक्स चेंज होंगे तो फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। तो ऐसा नहीं है कि एफ है एफ डैश है, नहीं, यहां एफ डैश है या एफ और एफ है, क्या स्टेप क्लियर है, ठीक है यहां तक? अब फ्री बॉडी डायग्राम, इनकी मोशन सबकी कहां पर है, इस तरफ है, तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें, ये 5 केजी है, ये 2 केजी और ये 1 केजी है, 1 केजी कहां मूव करेगा, टुवर्ड्स राइट, तो इन दोनों वेक्टर्स में से कौन सा वेक्टर इसको मिलेगा, राइट वाला, तो राइट वाला एफ ये चला गया, तो लेफ्ट वाला किसे मिलेगा, 2 केजी को। अब ये 2 केजी भी कहां मूव कर रहा है, राइट, तो कौन मूव करवाएगा, ऊपर वाला एफ डैश, अगर ऊपर वाला एफ डैश इसे मिला तो नीचे वाला एफ डैश इसे मिलेगा, और ये कितने है, 100। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक? तो आपने यहां से शुरू करना है क्योंकि इसकी मोमेंट राइट है, तो राइट वाला वेक्टर इसे, तो लेफ्ट वाला वेक्टर इसे, 2 केजी राइट है तो एफ डैश राइट वाला इसे, तो लेफ्ट वाला इसे, सभी मूव कर रहे हैं विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो पहली इक्वेशन 100 माइनस एफ डैश इज 5 इंटू ए, एफ डैश माइनस एफ इज 2 इंटू ए, एफ इज इक्वल टू 1 इंटू ए, इन तीनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करके ए एंड एफ कैन बी कैलकुलेटेड, एफ डैश कैन बी कैलकुलेटेड। तो इसके बेस पे अब आप क्वेश्चन सॉल्व करो एक बार, ये लो, तो आपका क्वेश्चन है कि सपोज ये आपके पास एक ब्लॉक है, ये आपके पास दूसरा ब्लॉक है, और ये आपके पास तीसरा ब्लॉक है, तीन ब्लॉक्स हैं, पहला ब्लॉक 10 केजी का है, दूसरा 5 केजी का, तीसरा 1 केजी का, एक फोर्स 100 न्यूटन, दूसरी फोर्स 20 न्यूटन, तो आपको इनके बीच में क्या निकालनी है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, फाइंड इनके बीच में कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस ये निकालनी है।
सर 15 यूनिट। करते हैं, तो इसमें कॉन्टैक्ट फोर्सेस बीच में बनानी पड़ेंगी आपको। कैसे? मान लो 10 kg ने 5 kg को कॉन्टैक्ट फोर्स लगाई F, तो बदले ने इस पे भी क्या लगाई? F। तो 5 kg ने 1 kg को क्या लगाई? F डैश। तो बदले में क्या लगी? F डैश। ये लो, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है इसमें फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये कितने हैं? 10 kg। ये कितने हैं? 5 kg। और ये कितने हैं? 1 kg। 1 kg सब मूव कर रहे हैं विद एन एक्सेलरेशन ऑफ क्या? ए ए एंड ए। ठीक है यहाँ तक? तीनों राइट की तरफ मूव कर रहे हैं इसमें। नेक्स्ट है, तो आप इसमें क्या करेंगे? इसके अंदर क्योंकि 1 kg कहाँ मूव कर रहा है? टुवर्ड्स राइट। तो एफ डैश और एफ डैश में से कौन सा वेक्टर इसको मिलेगा? राइट वाला। तो ऊपर वाला एफ डैश यहाँ लगाना पड़ेगा, एफ डैश इधर, तो लेफ्ट वाला इसको मिलेगा एफ डैश। क्लियर हो गया? फिर ये कहाँ मूव कर रहा है? 5 kg टुवर्ड्स राइट। तो राइट वाला वेक्टर एफ इसको मिलेगा, तो लेफ्ट वाला एफ इधर मिलेगा। और इधर से कितना है? 100 न्यूटन। ये लो 100 न्यूटन। क्लियर है? फ्री बॉडी डायग्राम्स क्लियर है यहाँ तक? तो अब क्योंकि राइट मूव कर रहा है, तो 100 - F इज 10 × A, इक्वेशन नंबर 1। ये राइट मूव कर रहा है, तो F - F' इज इक्वल टू 5 × A, इक्वेशन नंबर 2। ये राइट मूव कर रहा है, तो F' इज इक्वल टू कितना? 1 × A, इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों को ऐड करेंगे, F से F, F' से F' कैंसिल होना ही है। तो कैंसिल करके 100 इज इक्वल टू 10 + 5 + 1 × A। तो A की वैल्यू क्या आएगी? 100 डिवाइडेड बाय 10 + 5 + 1। ओ आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ओके 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 20 न्यूटन भी रह गया। चलो 20 न्यूटन। तो एक और इक्वेशन यहाँ बना लेते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको एक और इक्वेशन बनाते हैं। ये लो, तो ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है? तो मेरे पास क्या इक्वेशन आएगी लास्ट? F' - 20 इज इक्वल टू 1 × A। ये आपकी थर्ड इक्वेशन है, राइट? तो आंसर आएगा 100 - 20 इज इक्वल टू 10 + 5 + 1 × A। तो एक्सलेशन की वैल्यू आएगी 100 - 20 10 + 5 + 1। ये शॉर्टकट सीधा भी लग सकता था। कैसे? पूरा सिस्टम में राइट की फोर्स है 100, लेफ्ट की फोर्स है 20। तो नेट फोर्स कितनी है? 100 - 20। तो 100 - 20 नेट फोर्स है, नेट फोर्स अपॉन मास कितना है? 10 + 5 + 1। तो एक्सलेशन, लेकिन प्रॉब्लम एक्सलेशन की है ही नहीं। प्रॉब्लम क्या है? एफ और एफ डैश की। तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? ए आ गया, ए को आप किसी भी इक्वेशन पुट कर दें, एफ आ जाएगा या एफ डैश की वैल्यू भी आ जाएगी। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो केस है वो स्ट्रिंग के केसेस हैं, स्ट्रिंग के केसेस हैं। नेक्स्ट केसेस स्ट्रिंग के केसेस हैं। अब जितने भी क्वेश्चंस हमने किए जिसमें पुली यूज हुई, स्ट्रिंग यूज हुई, हमने पुली का मास कंसिडर नहीं किया। हमने पुली का मास तो लिया ही नहीं था, मैंने मना किया था। और जो स्ट्रिंग है, ये जो रस्सी ऊपर जा रही थी, ये देखो पुली का कोई क्वेश्चन, ये जो रस्सी ऊपर जा रही है इसका भी मास हमने नहीं लिया। जबकि प्रैक्टिकली जब आप रस्सी लेके आओगे उसका मास तो होता है, हमने निगलेक्ट किया। हमने सिर्फ ब्लॉक्स का मास लिया, हमने स्ट्रिंग का मास नहीं लिया, पुली का मास नहीं लिया। लेकिन प्रैक्टिकली मैंने क्या बोला कि स्ट्रिंग का मास होता है। तो अगर स्ट्रिंग का मास गिवन हो तो क्या करना हो, ये आपको बताऊंगा। पहला केस है, मान लो ये स्ट्रिंग है और ये ब्लॉक है, और ब्लॉक इसके ऊपर रेस्ट पे है। स्ट्रिंग है और ब्लॉक है, ब्लॉक रेस्ट पे पड़ा हुआ है, ठीक है? तो यहां पर टेंशन TNT पेयर में, वेट इसका 5G नीचे है, और क्योंकि ये रेस्ट पे है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड टेंशन, क्योंकि ये रेस्ट पे है तो उस केस में ऊपर की फोर्स T है, नीचे की फोर्स 5G है। ऊपर की फोर्स T है, नीचे की फोर्स 5G है, और क्योंकि ये रेस्ट पे है, और अगर ये रेस्ट पे ना होता, ये ऊपर जा रहा होता, तो T बड़ा होता, 5G छोटा होता।
तो इक्वेशन क्या यूज करते हैं, टी माइनस 5g इज 5a, और अगर ये नीचे आ रहा होता तो 5g माइनस t इज 5a, लेकिन ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे है, तो t इज इक्वल टू 5g, मतलब ऊपर की फोर्स इज बैलेंस बाय नीचे की फोर्स, तो आंसर टेंशन का क्या आ गया, 5g, डन। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो टेंशन स्ट्रिंग में क्या होगी, 5g। अब अगला क्वेश्चन, टेंशन मैंने कहां निकाली, यहां निकाली कि यहां निकाली कि यहां निकाली, कि पूरी रस्सी में टेंशन सेम रहेगी? टेंशन सेम रहेगी, बिल्कुल सही, टेंशन सेम रहती है। आप किसी भी पॉइंट पर टेंशन ले लेना स्ट्रिंग के, वो अगर 5G है तो पूरी स्ट्रिंग के अक्रॉस क्या रहेगी, हर पॉइंट पर 5G 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 रहेगी, कोई डाउट इसमें? तो स्ट्रिंग के अक्रॉस जो है टेंशन की वैल्यू है वो कितनी होगी, 5G होगी। तो मैंने ये क्या करवाया कि टेंशन की वैल्यू अगर यहाँ पर 5G है तो पूरे स्ट्रिंग के अक्रॉस से क्या रहेगी, 5G रहेगी, चाहे यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, जहाँ मर्जी ले लो, टेंशन की वैल्यू 5G रहेगी। अब अगला जो पॉइंट है इसमें, जो नेक्स्ट पॉइंट है, मान लो फिर से 5kg मास है, रेस्ट पे है, इस बार जो स्ट्रिंग है ना वो मासलेस नहीं है, स्ट्रिंग का मास है, बोलो बोलो,
देखो तो इसके अंदर स्ट्रिंग का मास है, और स्ट्रिंग का मास कितना है, 10 kg है, गिवन है, और लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की, 10 मीटर है, गिवन है। आपको क्या करना है इसमें, यहाँ टेंशन निकालनी है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ यहाँ टेंशन, टेंशन तो सेम ही होती है स्ट्रिंग में, यहाँ पर सेम नहीं है, क्योंकि टेंशन की वैल्यू अगर सिस्टम रेस्ट पे है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, टेंशन की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, इस रस्सी का वेट प्लस इसका वेट। अगर मुझे यहां टेंशन निकालनी है तो पूरी रस्सी का वेट प्लस इसका वेट, क्लियर है? तो अगर मुझे टेंशन यहां निकालनी है तो इस रस्सी का वेट प्लस इसका वेट, राइट? क्लियर है यहां तक? तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो अगर मुझे टेंशन यहां पे निकालनी है तो इस रस्सी का वेट और यहां का वेट, तो क्लियर है? आप कहेंगे फिर ये रूल ऊपर क्यों नहीं लगाया, लगा लो। सेम रूल जब ऊपर लगेगा कि मुझे यहां टेंशन निकालनी है तो इस रस्सी का वेट और इसका वेट, इस रस्सी का वेट तो लेना ही नहीं क्योंकि निगलेक्टेड था, तो आंसर क्या आएगा, 5G। अगर मैं कहूंगा यहां टेंशन निकालो तो इस रस्सी का वेट और यहां का वेट, रस्सी का वेट तो नेगलिजिबल है, तो फिर से आंसर क्या आएगा, 5G। इसलिए जब स्ट्रिंग के मासेज नहीं लिए जाते तो टेंशन हर पॉइंट पर क्या रखी जाती है, सेम। लेकिन अगर स्ट्रिंग का मास है तो टेंशन वेरी करेगी, और सबसे ज्यादा टेंशन कहां पाई जाएगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट जो टेंशन होगी पूरी रस्सी का वेट प्लस 5G, यहां पे जो टेंशन होगी वो यहां का वेट और 5G, यहां पे जो टेंशन होगी यहां का वेट और 5G। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो टेंशन की वैल्यू वेरी करेगी, क्लियर है? तो मुझे टेंशन यहां निकालनी है तो रूल क्या बताया, इस रस्सी का वेट 8 मीटर गिवन होगा आपको, 8 मीटर की रस्सी का वेट और 5G। अब 8 मीटर की रस्सी का वेट कैसे निकलेगा, अगर लेंथ 10 मीटर है पूरी रस्सी की तो मास कितना, 10 kg है, अगर 1 मीटर है तो 10/10 है, और अगर 8 मीटर है तो 10/10 × 8 कितना हो गया, 8 kg है, 8 kg लगा लेना यहां पर, 8 kg है, तो क्लियर है यहां तक? तो सिंपल कुछ नहीं किया हमने, 10 मीटर का मास गिवन है, 1 मीटर का निकाल लिया, फिर 8 मीटर का निकाल लिया, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, 8 मीटर का मास कितना है, 8 kg। तो मुझे बताओ कि अगर ये 8 kg है तो इसका वेट क्या बनेगा, 8G, और इसका वेट क्या बनेगा, 5G, 8G प्लस 5G कितना वेट हो गया, 13G। क्या ये स्टेप क्लियर है, 13G। अच्छा अगर मैं कहूंगा कि यहां पे टेंशन निकालो टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो बोलो आंसर क्या होगा, ये कितना है, 10G, ये कितना है, 5G, 10G प्लस 5G 15G, क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगर ये अगर भार ज्यादा हो गया, रस्सी टूट जाएगी, रस्सी कहां से टूटेगी, यहां बॉटम से कि टॉप से, टॉप से, जहां टेंशन सबसे ज्यादा है तो वहां पर स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, अगर स्ट्रिंग फिर से मासलेस है, कोई इसका वेट नहीं है, रस्सी का कोई वेट नहीं है, टेंशन क्या है, TNT, ये मास ऊपर जा रहा है, मान लो सिस्टम को ऊपर लेके जा रहा हूं विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, और एक्सेलरेशन कितनी है, 1, तो इस मास के ऊपर की फोर्स क्या है, टी, और नीचे की फोर्स क्या है, 5G, तो ऊपर की फोर्स बड़ी है और नीचे की फोर्स छोटी है, तो क्या बनेगा, T − 5G = 5 × A, तो यहां से टी कैन बी कैलकुलेटेड। तो अगर तो एक्सेलरेशन नहीं है तो ए जीरो हो जाएगा, तो टी 5G, पर अगर सिस्टम ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो फिर टी बड़ा माना जाएगा, 5G छोटा माना जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये भी क्लियर है? अब सपोज करो इंक्लाइन प्लेन की प्रॉब्लम्स, या इंक्लाइन प्लेन हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, इंक्लाइन प्लेन के अंदर मान लो ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, और मेकिंग एन एंगल ऑफ कितना, थीटा। आपको मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है और एक ऐसी लाइन, एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, इसका वेट कहाँ एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो मैंने कहा था एक लाइन ड्रॉ कर लेना ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये वाला एंगल भी एग्जैक्टली क्या हो जाता है, थीटा। तो mg के दो कंपोनेंट्स बनते हैं, mg cos थीटा, और नीचे की तरफ क्या बनता है, mg sin थीटा। कोई डाउट इसमें, mg cos थीटा, mg sin थीटा, समझ में आ रहा है सबको यहां तक, क्लियर है? हमने डिस्कशन की थी इसके बारे में। अब एक और चीज समझो, सपोज करो ये ग्राउंड है और ये इसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है, ब्लॉक पड़ा हुआ है जिसका मास क्या है, m, ठीक है, इसका मास m है, ये m वेट कहां लगाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स,
क्लियर है यहां तक? तो ये वेट क्या होता है? फोर्स होता है। तो ब्लॉक ने ग्राउंड पे फोर्स लगाई mg, तो ग्राउंड ने ब्लॉक के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन लगाया r, r लिख सकते हैं फॉर रिएक्शन। कभी कभी r की जगह क्या लिखा जाता है? n, रिएक्शन। ये n क्यों लिखा जाता है अभी बताता हूं। तो आपने सुना होगा न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। तो अगर इसने वेट लगाया mg, तो ब्लॉक ने ग्राउंड पे फोर्स लगाई mg, तो ग्राउंड ने ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाई इक्वल एंड ऑपोजिट r, तो यहां पर r की वैल्यू क्या होगी? mg। r इज इक्वल टू mg। अब खास बात क्या है, ये जो रिएक्शन की फोर्स होती है ना, रिएक्शन की फोर्स, ये हमेशा ग्राउंड के 90 डिग्री परपेंडिकुलर होती है। जो रिएक्शन की फोर्स है वो ग्राउंड के साथ एंगल क्या बनाती है? 90 बनाती है। क्लियर है यहां तक? तो रिएक्शन की फोर्स 90 एंगल बनाती है, तो यहां पर r इज इक्वल टू एम जी। ये क्लियर है? क्योंकि ये रिएक्शन की फोर्स नॉर्मल रहती है ग्राउंड के साथ, तो इसलिए इसका दूसरा नाम नॉर्मल रिएक्शन है। रादर इसका पूरा नाम रिएक्शन नहीं है, पूरा नाम इसका नॉर्मल रिएक्शन है। रिएक्शन वर्ड ठीक नहीं है यूज करना। तो रिएक्शन की जो फोर्स होती है वो हमेशा सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है, तो इसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन। तभी इसका सिंबल क्या है? एन। आर भी लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब जो नॉर्मल रिएक्शन होता है उसकी जो वैल्यू है, जो नॉर्मल रिएक्शन है उसकी वैल्यू क्या है? एम जी। कई लोग ये याद कर लेते हैं, क्या नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? सर बोला एम जी ना, याद नहीं करना इसे। मैंने ग्राउंड सीधा रखा था, अब की बार मैंने ग्राउंड टेढ़ा कर दिया, इंक्लाइन प्लेन ले लिया। देखो ग्राउंड ऐसा हो गया मेरा, ये मेरा ब्लॉक है। अब सरफेस कैसी है? अब सरफेस ऐसी है। अब जो सरफेस है, पहले सरफेस कैसी थी? ऐसी थी। अगर सरफेस ऐसी है तो वेट नीचे है और बदले में रिएक्शन ऊपर है, और ये रिएक्शन या नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के 90 डिग्री पे होता है, ये मैंने अब बताया आपको। अब सरफेस टेढ़ी हो गई, अब सरफेस टेढ़ी हो गई, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा नहीं बनेगा, नॉर्मल रिएक्शन अब ऐसा बनेगा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। क्या है पॉइंट? क्लियर है? तो नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। तो समझ में आ रहा है? और इस केस में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या है? एम जी नहीं है, इसके ऑपोजिट वेक्टर ढूंढो, कौन है? एम जी कॉस थीटा। तो यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन है इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इसमें एम जी कॉस थीटा? तो अगर आप नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू को याद करने चलेंगे कि मैं तो याद कर लेता हूं एम जी होता है, फिर आपका क्वेश्चन कभी ठीक नहीं होगा। क्योंकि मैं अगर 50 टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा अलग अलग, तो 25 बार हो सकता है नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो जाए। वो सरफेस टू सरफेस है ना, अगर सरफेस सीधी है तो अलग है, टेढ़ी है अलग है, कर्व्ड है अलग है, दीवार है अलग है, तो इसलिए आप याद नहीं करेंगे। क्वेश्चन टू क्वेश्चन देख के आप बाई एक्सपीरियंस अपने आप को समझ में आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन याद नहीं किया जाता, फोर्सेस का डायग्राम ड्रॉ करके अपने आप आ जाती है। तो यहाँ तक क्लियर है? तो ये इंक्लाइन प्लेन की प्रॉब्लम है। अब इंक्लाइन प्लेन के अंदर हम बात कर रहे थे अभी, ये मान लो इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन में, इस इंक्लाइन प्लेन में ठीक, ये मान लो इंक्लाइन प्लेन है, ये आपका ब्लॉक है, ब्लॉक का मास m है, m है, यहां पे एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है और ये ब्लॉक है, यहां पे एक और स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के साथ यहां पे एक ब्लॉक है। तो ये जो ब्लॉक है, मान लो इसका मास, इसका जो मास है वो 5 केजी है, इसका मास 2 केजी है, ठीक। और ये क्वेश्चन में जो एंगल है ये कितना है? 30 डिग्री एंगल गिवन है, ये रहा। तो ये क्वेश्चन है, इंक्लाइन प्लेन है, 30 डिग्री है, 5 केजी है, 2 केजी है। रूल नंबर 1, ये सिस्टम, या एक काम करो, पहले इसको ना थोड़ा इजी करते हैं, इसमें इसे 20 केजी कर लो, ये 20 है, ये 5 है, साफ पता लग रहा है सिस्टम ऐसे जाएगा। तो ये वाला ब्लॉक कहाँ आएगा? नीचे आएगा। ये वाला ब्लॉक इस तरफ जाएगा विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ ए। क्या पॉइंट क्लियर है? क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलेरेशन एंड फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब टेंशन के बारे में क्या है? 5 केजी
ये 5 kg है और ये पुली है, इनके बीच में टेंशन टी एंड टी। ऐसे ही ये पुली और ब्लॉक है तो इनके बीच में टेंशन टी एंड टी, टी एंड टी, टी एंड टी। कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? टेंशन टी एंड टी, टेंशन टी एंड टी। नेक्स्ट है, इसके अंदर इसका जो वेट है वो कहाँ एक्ट करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। कितना? 20 g। और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो वेट कितने हैं? 5 g। और वेट अगर 5 g तो ये एंगल कितना है? 30 degree। तो ये कितना है? 5 g cos ऑफ 30। और ये कितना बनेगा? 5 g sin ऑफ 30। और ऑब्वियसली नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हालांकि यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है, पर हाँ बनाना ज़रूरी है कि नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल है, क्योंकि मोशन ऐसी है नहीं, मोशन ऐसी है बॉडी की। तो क्या ये डायग्राम क्लियर है सबको? आधा डायग्राम तो पुराना ही है और कुछ भी नहीं है इसमें, नया तो कुछ भी नहीं है, बस यही चीज़ सेम चीज़ है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसकी इक्वेशन कैसी बनेंगी? इक्वेशन में क्योंकि ब्लॉक नीचे आ रहा है तो पहली इक्वेशन बोलें 20 g माइनस टी इज इक्वल टू 20 into a। क्या ये पॉइंट क्लियर है? 20 g माइनस टी इज इक्वल टू 20 into a। क्लियर है? क्योंकि ब्लॉक नीचे आ रहा है तो 20 g बड़ा होगा, टी छोटा होगा। 5 kg का ब्लॉक कहाँ आ रहा है? ऊपर जा रहा है। तो 5 kg का ब्लॉक जब ऊपर जाएगा तो कौन बड़ा? टी बड़ा कि 5 g साइन 30 बड़ा? टी बड़ा। तो क्या आएगा? टी माइनस 5 g साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू क्या? 5 into a। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्योंकि इसकी मोशन इस डायरेक्शन में है तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो टी बड़ा है और 5 g साइन 30 छोटा है। तो इन्हें अगर हम सॉल्व करें, टी एंड टी कैंसल, सॉल्व करके ए आ जाएगा। ए की वैल्यू को कहीं भी पुट कर लें, टी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो आपको इंक्लाइन प्लेन की ये प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि कैसे सॉल्व करेंगे इंक्लाइन प्लेन की प्रॉब्लम? तो आपने कुछ नहीं है, सारा गेम ही डायग्राम और फोर्सेस का है। अगर आपने सारे वेक्टर सही बना दिए फोर्स के, आपका क्वेश्चन सही है। आप डायग्राम सही नहीं बना पाएंगे, एक भी वेक्टर रह गया, क्वेश्चन गलत हो गया। क्लियर है यहाँ तक? पॉइंट समझ में आ रहे हैं? तो इसके अंदर ये एग्जाम्पल गिवन है, बता ही दिया मैंने, टी एंड टी, 5 g साइन 30, तो 7 g माइनस टी 7 a, और टी माइनस 5 g साइन 30 इज 5 a। सॉल्व करके ए एंड टी कैन बी कैलकुलेटेड। क्लियर है यहाँ तक?